सो आफ्टर 2 ईयर्स मुंबई में वापस होने जा रहे हैं कॉन्सर्ट्स। आज है 7 अप्रैल एंड आई गेस ऑलमोस्ट एक वीक के बाद अराउंड 14 अप्रैल को है एलन वॉकर का कॉन्सर्ट। आई एम एक्चुअली रियली हाइप क्योंकि 2 साल के बाद कॉन्सर्ट होने जा रहे हैं एंड लाइक दिस विल बी लाइक माई सेकंड टाइम गोइंग टू अ कॉन्सर्ट। फर्स्ट कॉन्सर्ट का तो कुछ अलग ही ट्रिप था बट आई एम लाइक कि यार ये कॉन्सर्ट भी कुछ तो खतरनाक करते हैं। सो हम चले भाई मिशन पे कि कुछ भी करके एलन वॉकर के कॉन्सर्ट के टिकट चाहिए। आई वेंट टू माई शो जो भी है सब मैंने सब सीट्स देखा। आई रिमूव्ड अ प्राइस टू एवरीवन के लाइक पीछे के कैसे आगे के सीट्स कैसे क्या सब जो भी रहता है वो सब मैंने देखा एंड मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं थी बिकॉज मैं बहुत जल्दी आई गेस चालू किया एंड ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बुक हो चुकी है। फिर आई वॉज लाइक कि ऑनलाइन कुछ नहीं मिल रहा है तो अपन जुगाड़ करेंगे। आई स्टार्टेड कॉलिंग ऑल माय फ्रेंड्स। हाँ हेलो निखिल। हाँ अक्षय सुन ना मैं क्या बोलते हैं। हाँ कुठे है? अरे यार सुना नहीं सनबर्न होना रहता। अरे हाँ विनय सनबर्न चे पासेस बघू शकतो का तू? या जोशुआ आर यू गोइंग फॉर सनबर्न? अरे भावा सनबर्न चे पासेस आहे काय? एंड मोस्ट ऑफ देम वर लाइक की अमितेश जरा थोड़ा टाइम दे मे बी हो सकता है बट वी कांट गारंटी यू। अगर हो गया तो जरा ज्यादा पैसे भरने पड़ेंगे, ब्लैक में करना पड़ेगा, ग्रे में करना पड़ेगा, सब कुछ वो सीन। सो आई वाज लाइक ठीक है तुम लोग मुझे अंदर एंट्री दिला दो बहुत है मेरे लिए। सो आई हैव टू वेट फॉर अनदर 1 वीक टू नो कि क्या प्लान है, क्या हालचाल है, क्या होने वाला। इवन दिस वीडियो गोना बी अ वीडियो और ये स्क्रैप होगा। अरे अरे इजी चलो। इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक आई गेस लाइक आई जस्ट और मुझे एक्चुअली अभी तक किसी का भी मतलब इतना ठोस ऐसा कन्फर्मेशन नहीं है कि हाँ भाई हो सकता है एंड आज कॉन्सर्ट है। मतलब मेरा ऐसा जरा इच्छा भी नहीं कि शूट करने का कुछ भी बिकॉज आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो रिसेंटली हम लोग अभी भाग रहे हैं कॉज मुझे जस्ट अभी मेरे फ्रेंड का कॉल आया था लाइक कि ब्रो एलन वॉकर का कॉन्सर्ट है एंड उसके नो पासिस है इज लाइक कि तू आ रहा है क्या? डूड इतना जिंदगी में कभी रश नहीं किया मैं जॉब ही पे जा रहा हूँ। अक्षत का कॉल आया था कि मुझे अभी तो मुझे गेट नंबर 4 पे जाना है। आई डोंट नो किधर है क्या है कैसा है तो मुझे अभी वो चीज ढूंढना पड़ेगा बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। तो हमारा एक दोस्त है अक्षत बबुआ कोई ढूंढ रहे हैं। भाई साहब आपने अक्षत पाल को देखा है क्या कहीं? भाई अंदर से लेट हो रहा है। अरे चलो चलो अभी अक्षत ने सब इन्फो दे दी है मैं बता नहीं सकता बट बहुत मजा आने वाला है। अक्षत बबू आप तो प्लान क्या है? अगर प्लान सक्सेसफुल हो गया ना भाई तो मजा आ जाए, तुम्हें भी मजा आएगा क्योंकि तुम लोग एलन वॉकर का शो देखने वाले हो अक्षर। मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला कि भाई अगर अंदर घुसे तो मजे वरना उधर से घर पे कट लो भाई पटरी है मेरी जरा से हम लोग एंट्री। हाँ चलो अदिति देव भाव जय हो चलो। सो वीडियो में जितनी खुशी मेरे चेहरे पे दिख रही थी उससे ट्रिपल मेरी फट रही थी। हम लोग कैसे तो छुप छुप के मैंने मेरा एक स्पाइक कैम ऑन कर दिया था और हम लोग अंदर घुसने को ट्राई कर रहे थे बट तभी अचानक एक बंदा पीछे से आके हमें रोकता है। जब वो आदमी ने हम लोगों को रोका मैंने लिटरली मेरे दिमाग में ऐसा था कि चलो खत्म टाटा बाय बाय गुड बाय घर पे बट भाई साहब मजा आया हाथ पेट ऊपर हो गया। फाइनली इन वी वर फाइनली इन साइड एलन वॉकर कॉन्सर्ट 1 वीक पूरा घिसने के बाद। कैसा लगा मुझे? ब्रो मैं सच में बोलेगा मेरा एंड मोमेंट वो गेट अंदर पहुंचते नहीं तब तक मेरी 40 थी और हम लोग चाहते के आदमी ने बुलाया अभी कि ये किधर जा रहे हो इधर आओ भाई जो 40 ना मेरी। हम लोग VIP में थे जो जुगाड़ किया है 2 साल के बाद हम लोग इतना नाचे वर्थ था एंड हाईलाइट मोमेंट
दिस इज ओनली क्रिएटर जिसको मैं इंस्टाग्राम पर ऐसा डेली मतलब वो क्या पोस्ट करती है उसके लिए मैं फॉलो करता हूँ एंड वो मुझे मिली एंड इवन शी डिड अ शाउट आउट टू माय चैनल आल्सो। हाय सब्सक्राइब टू अमिती स्टार्टर गाइस। थैंक यू लेकर मैं लेके आया हूं तुझे मैं लेके आया हूं तुझे भाई तेरे को याद रखेगा कि तेरे ऐसे पोस्टर बना के घर पे रख देगा मुझे। अरे बस बस भाई तेरे को कैसा लगा? मेरे को तो बहुत मजा आया। दो साल बाद फाइन नहीं रहते नहीं बोला नहीं जाना।